दोस्तों, आज हम क्लास 12 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है द लास्ट लेसन और इसके ऑथर है अल्फोंस डॉडेट। नन्ना फ्रेंच उस प्रातः को स्कूल के लिए बहुत देरी से चला। वह डांट के पढ़ने से बहुत डरा हुआ था। उसके अध्यापक मिस्टर हैमल ने कहा था कि वह जूतों के विषय में प्रश्न पूछेगा। नन्हे फ्रेंच को उनके विषय में एक भी शब्द का ज्ञान नहीं था। एक पल के लिए उसने वहां से भाग जाने और दिन को खुले में बिताने के विषय में सोचा। वह एक चमकीला और सुंदर दिन था। पक्षी चहचहा रहे थे, परिसाई सैनिक खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे। उनकी वह ड्रिल कृदंतों के नियम से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही थी। नन्ना फ्रेंच शीघ्रता से स्कूल की तरफ चल पड़ा। जब वह नगर भवन के सामने से गुजरा तो वहां के समाचार बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 सालों के दौरान सभी बुरे समाचार उसी समाचार बोर्ड से मिलते रहे थे। नन्ना फ्रेंच वहां नहीं रुका, परंतु उसने अपने मन में सोचा, अब क्या बात हुई हो सकती है। नन्हा लड़का उतनी ही शीघ्रता से चलता गया जितनी तेजी से वह चल सकता था। गांव के लोहार ने जो समाचार पढ़ रहा था उसको पीछे से ये कहते हुए बुलाया, इतनी तेजी से ना जाओ लड़के, अभी स्कूल खुलने में काफी समय रहता है। साधारणतया जब स्कूल आरंभ होता था वहां बहुत चहल पहल होती थी। बाहर गली में हर किस्म की आवाजें आती, डेस्कों का खुलना और बंद होना, एक स्वर में पाठों का दोहराया जाना और अध्यापक द्वारा रूलर को मेज पर ठकठकाना। परंतु इस समय बहुत शांति थी। नन्हे फ्रेंच ने सोचा था कि बिना किसी को दिखे वह अपने डेस्क तक पहुंच जाएगा, परंतु उस दिन सब कुछ रविवार के प्रातः काल जितना शांत था। खिड़की में से उसने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। अध्यापक मिस्टर हैमल अपनी बाह के नीचे अपना वह भयानक लोहे का रूलर लिए हुए ऊपर नीचे चक्कर लगा रहा था। नन्हे फ्रेंच को दरवाजा खोलना और सबके सामने से होते हुए अपनी सीट तक जाना पड़ा। वह सचमुच बहुत डरा हुआ था, परंतु जब मिस्टर हैमल ने उसको देखा तो उसने बहुत दयालुता पूर्वक कहा, जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ नन्हे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रेंच बेंच के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया। अब तक उसने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पा लिया था। उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट और एक झालरदार कमीज पहनी हुई थी। उसने एक नन्ही सी काली रेशमी कैप भी पहनी हुई थी जिस पर कढ़ाई की हुई थी। उसने इंस्पेक्शन और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी भी यह पोशाक नहीं पहनी थी। पूरा स्कूल ही इतना असाधारण लग रहा था, किंतु वह चीज जिसने फ्रेंच को सबसे अधिक चकित किया यह थी कि पिछले बेंचों पर गांव के लोग नन्हे विद्यार्थियों की तरह बैठे हुए थे। उनमें बुजुर्ग हाउजर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर तथा कई अन्य शामिल थे। प्रत्येक व्यक्ति उदास लग रहा था। हाउजर प्राथमिक कक्षा की एक पोथी लाया था। उसने पोथी को खोलकर अपने घुटनों के ऊपर रखा हुआ था। जब नन्हा फ्रेंच इन सब चीजों पर हैरान हो रहा था, मिस्टर हैमल ने बहुत गंभीर और कोमल स्वर में कहना शुरू किया, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बर्लिन से आदेश मिला है कि अल्सेस और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। नया अध्यापक कल आ रहा है। यह आपका अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। नन्हे फ्रेंच पर यह शब्द बिजली बनकर गिरी। अब उसकी समझ में आ गया था कि उन्होंने नगर भवन के समाचार बोर्ड पर क्या नोटिस लगाया था। यह उसके लिए फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ होने जा रहा था और वह मुश्किल से ही कुछ लिख सकता था। उसे कितना अफसोस हो रहा था कि उसने अपने पाठ याद नहीं किए थे और अपना समय पक्षियों के अंडे ढूंढने में लगाता रहता था। उसकी पुस्तकें उसे सदा ही कितनी निरर्थक लगती थी, जो पुस्तकें उठाने में कितनी भारी लगती थी, किंतु इस समय उसे वही पुस्तकें अपने पुराने मित्रों की तरह लग रही थी जिन्हें वह त्याग नहीं सकता था। और वह यह सोचकर बहुत उदास था कि मिस्टर हैमल उस स्कूल से जा रहा था और यह भी कि फ्रेंच उस अब
उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। मैं मिस्टर हैमल के रूलर और उसके विचित्र स्वभाव के बारे में भी सब कुछ भूल गया। अपने अंतिम पाठ के प्रति सम्मान दिखाने के लिए था कि मिस्टर हैमल ने अपने बढ़िया कपड़े पहने थे। अब नन्ना फ्रेंड समझ गया गांव के बुजुर्ग व्यक्ति क्यों कमरे की पिछली तरफ बैठे हुए थे। अब वे भी अफसोस कर रहे थे कि क्यों वे स्कूल में ज़्यादा नहीं जाया करते थे। अब वे 40 साल की वफादारी से निभाई गई सेवा के लिए मिस्टर हैमल का धन्यवाद करने के लिए आए हुए थे। जब नन्ना फ्रेंड इस सब पर विचार कर ही रहा था उसने सुना कि उसका नाम पुकारा जा रहा था। उसे कृदंतों के नियम को बोलकर सुनाने के लिए कहा गया, किंतु वह शुरू के शब्दों में ही उलझ गया और वह अपनी डेस्क को जोर से पकड़कर खड़ा रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे दृष्टि उठाकर देखने का साहस नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्ना फ्रेंड, तुम्हें स्वयं ही बुरा लग रहा होगा। प्रत्येक दिन तुम स्वयं से कहते रहे हो, अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल याद कर लूँगा। अब तुम खुद ही देख लो कि हम कहाँ आ पहुँचे हैं। यही हम सब में एक बड़ी खराबी है, हम सीखना कल पर टाल देते हैं। अब वे प्रस्याई तुमसे कहेंगे, तुम झूठा दिखावा करते हो कि तुम फ्रांसीसी हो, और इसके बावजूद अपनी स्वयं की भाषा को बोलना और लिखना नहीं जानते। परंतु इस प्रकार के व्यक्ति तुम ही अकेले नहीं हो नन्हे फ्रेंच, हम सभी के पास स्वयं को कोसने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त उत्सुक नहीं थे कि तुम सीखो, उन्होंने इसको ज़्यादा पसंद किया कि तुम खेत में या किसी फैक्ट्री में काम करो ताकि उन्हें थोड़ा सा पैसा मिल सके, और मैं भी दोषी रहा हूँ। मैंने अक्सर तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा है बजाय इसके कि तुम अपने पाठ याद करो, और जब जब मछली के शिकार के लिए मेरी इच्छा हुई है मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था। फिर मिस्टर हैमल ने फ्रांसीसी भाषा के विषय में बताया। उसने कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा थी। उसने इस भाषा को संसार की सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा का नाम दिया। उसने कहा कि जब किन्हीं लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब तक वह अपनी भाषा को अपनाए रखते हैं तो उनके पास उनके कैद खाने की चाबी होती है। उसके बाद उसने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और अपने अंतिम पाठ को पढ़कर सुनाया। नन्ना फ्रेंच चकित था कि उसे इतनी अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ रहा था। हर चीज इतनी आसान लग रही थी और इससे पहले उसने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और मिस्टर हैमल ने भी इससे पहले हर चीज इतने धीरज से नहीं समझाई थी। ऐसा लग रहा था मानो जाने से पहले वे अपना सारा ज्ञान अपने विद्यार्थी को दे जाना चाहता हो। व्याकरण के बाद मिस्टर हैमल ने लिखने पर एक पाठ दिया। उस दिन उसके पास अपने विद्यार्थियों के लिए नई कापियां थी जिन पर सुंदर गोलाकार लिखावट में शब्द लिखे हुए थे, फ्रांस अलसेस। वे छोटी छोटी झुंडियों जैसे लग रहे थे जो उस स्कूल के कमरे में हर तरफ फहरा रही थी। सब लोग काम में लग गए। सब तरफ शांति छा गई। कागज पर पेन से लिखने से पैदा हुई खरखराहट ही एकमात्र आवाज थी जो उस समय कमरे में आ रही थी। एक बार कुछ भृंग उड़ते हुए अंदर आ गए, पर किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया। छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुटुरगु कर रहे थे, और नन्हे फ्रेंड ने अपना मन में सोचा, क्या वे उन्हें भी जर्मन भाषा में गाने पर मजबूर करेंगे। मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी से निश्चल बैठा था और टकटकी लगाकर कभी एक चीज को तो कभी किसी अन्य चीज को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह हर चीज को अपने मन में स्थापित कर लेना चाहता हो। 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर रहा था, यह सोचकर उसका दिल अवश्य टूट गया होगा कि यह सब उसे छोड़कर जाना होगा। वह ऊपर वाले कमरे में अपनी बहन को उनके ट्रंक पैक करते हुए इधर उधर घूमते हुए सुन सकता था। अगले दिन उन्हें वहां से जाना था। लिखाई के अभ्यास के बाद उसने इतिहास में एक पाठ पढ़ाया। कक्षा के पीछे की तरफ हाउजर ने अपनी ऐनक पहन ली थी तथा अपने कायदे को दोनों हाथों में पकड़े हुए था। वह दूसरे बच्चों के साथ मिलकर शब्दों को जोड़ रहा था। वह रो भी रहा था, उसकी आवाज भावनाओं से भरकर कांप रही थी।
अचानक गिरजे की घंटी में बाहर 12 बजने की आवाज़ आई। उसी पल प्रशासनिक सैनिकों के नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी जो अपने ड्रिल के पास आ रहे थे। मिस्टर हैमल उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे मित्रों, मैं किंतु किसी वजह से उसका गला रुंध गया। वह अपनी बात को जारी न रख पाया। फिर उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह किया, चाक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा बड़ा वह लिख सकता था लिख दिया, फ्रांस चिरकाल तक जीवित रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए तो नोटिफिकेशन बेल दबा दें।